हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यूज, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके जो है एग्जाम के अंदर भी आ सकते हैं। चैप्टर हम यहाँ पर ले रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स, क्लास 12th का जो चैप्टर है। तो यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम कुछ रिलेटेड देख लेते हैं कि किस किस तरीके के जो है क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर के अंदर से एमसीक्यू टाइप के बन सकते हैं, और हम शॉर्ट आंसर्स टाइप के भी क्वेश्चन देख सकते हैं अगर आपको चाहिए हो तो। तो शॉर्ट आंसर में आपके वन लाइन या टू लाइन या फिर बहुत छोटे छोटे आंसर्स भी हो सकते हैं, और अगर जो थ्योरी एग्जाम होता है उसमें आपका पूरा आंसर तो होता ही है। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू वाले हैं वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी हेल्पफुल रहते हैं क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन है इसमें आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप वहां पर से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और जो सोल्यूशन है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्लोरोइथेन ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक QOH गिव्स। यहाँ पर मेरे पास में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें आप देखिए क्लोरोइथेन है ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक QOH गिव्स। तो एल्कोहलिक QOH लिया है यहाँ पर, तो क्लोरोइथेन आपका हो जाएगा भाई CH3 CH2 Cl। तो ये आपका हो गया क्लोरो और इथेन, ठीक है। तो दो कार्बन हो गए, क्लोरिन हो गया, तो ये हो गया आपका भाई क्लोरोइथेन। यहाँ पर देख लेते हैं रिएक्शन क्या है। इसने कहा कि इसमें जब हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ में, तो यहाँ पर जो है ये आपका चले जाएगा एरो पे, तो एल्कोहलिक KOH है। तो जहां पर भी एल्कोहलिक KOH होता है वहां पर हमें पता है क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपका वही होगा, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। यानी कि इसमें ये जो पहला कार्बन है जो Cl, यानी कि जो इस एक्स हेलोजन से अटैच्ड है, वो आपका अल्फा है। इससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो क्या है, बीटा है। तो बीटा से जाएगा आपका और अल्फा से जाएगा, ठीक है। तो यहां से यहां पर जो आपका हो जाएगा, बीटा से जाएगा H और यहां से जाएगा Cl, ठीक है, अल्फा से नहीं। तो यहां पर हो जाएगा आपका बीटा डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो वही आपका बीटा एलिमिनेशन है एक तरीके से। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, एक H जाता है और एक X जाता है। X आपका वही हेलोजन ही हो गया है। तो एक अगर आप यहां से Cl निकाल देते हो और एक H निकाल देते हो, तो आपके पास में बचता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, सो दैट इज इथीन। तो आपको मिल जाएगा यहां से एल्केन से सीधा एल्कीन एक तरीके से, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। तो आप जो है यहां पर आंसर में देख सकते हैं, जहां पर भी आपका इथीन लिखा हुआ है उसको आप टिक मार्क कर सकते हैं। तो क्योंकि आपका एल्कोहलिक KOH है यहां पर, एल्कोहलिक KOH की ही वजह से यहां पर होगा बीटा एलिमिनेशन, या फिर आप कह सकते हैं बीटा डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्योंकि बीटा से आपका जा रहा है H, तो बीटा डीहाइड्रो, डीहाइड्रो का मतलब है H निकल रहा है वहां से, जा रहा है H, और हेलोजिनेशन मतलब Cl भी वहां से रिमूव हो रहा है। तो ठीक है, तो आपका जहां पर एल्कोहलिक QOH है आपको H निकाल देना है और Cl निकाल देना है, और ये देखना है आपको कि बीटा से आपका H जाएगा। तो आप जो है आंसर में देख सकते हैं, आपका इसमें आंसर हो जाएगा इथीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब इससे जो है नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट आपको ऑर्डर बताना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स फॉलोज द ऑर्डर। तो हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन आपके कौन से हो जाएंगे भाई, तो हेलो एल्केन आपका हो जाएगा RCl RBr और RI। ये तीन है आपके पास में, मतलब इन तीनों का आपको एक ऑर्डर बताना है बॉइलिंग पॉइंट का। सो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो हमें पता है RI का सबसे ज्यादा, फिर RBr का, और फिर RCl। तो इस तरीके से ये आपका ऑर्डर है, यही आपका आंसर है। इसमें ये ऑर्डर क्यों रहेगा, क्योंकि आप Cl Br से I तक जा रहे हो, तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो क्या साइज बढ़ रहा है। तो अगर क्लोरीन का साइज इतना है, ब्रोमीन का उससे बड़ा होगा, और आयोडीन का फिर और ज्यादा बड़ा होगा। तो इस तरीके से आपका जो है नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है, तो हेलोजन के साइज बढ़ने के साथ में उसका जो वैंडरवाल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि साइज बड़ा हो गया तो उतनी ज्यादा फिर वो फोर्स भी लगेगी। तो फिर वैंडरवाल जो फोर्स है वो उतनी ज्यादा बढ़ेगी। वैंडरवाल फोर्स ज्यादा होने का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो इसीलिए आपका जहां फोर्स ज्यादा हो गई है वहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही। तो यही आपका रीजन है इसका, कि सबसे RI का ज्यादा, फिर BR, फिर सबसे कम आपका Cl का है।
तो अगर यहाँ पर ऑर्डर लिखोगे तो आपका इस तरीके का आंसर आएगा। तो आप जो है इसमें चेक कर सकते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है, आर आई का सबसे ज्यादा, देन आर बी आर, देन आर सी एल। ये आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, टॉपिक में यही रीजनिंग दी हुई है। इससे जो नेक्स्ट है इसमें आपको एक रिएक्शन जो है वो दी हुई है, तो रिएक्शन है आपकी सी एच थ्री सी एच सी एल टू। तो सी एच थ्री है सी एच और दो सी एल है, यहां पर इसने इसके अंदर डाला है एक्वस के ओ एच। एक्वस के ओ एच डालने के बाद में यहां पर एक मिला है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के आगे इसने लिखा है कि यहां से आपको मिलेगा कोई भी एक्स, और ये आपको एक्स बताना है कि क्या है, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन है, यहां से कोई इंटरमीडिएट मिलेगा आपको वो पता होना चाहिए, और यहां से आपको एक्स मिल जाएगा। तो ये एक्स आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है। तो यहां पर जो है इस रिएक्शन में देख लेते हैं, सिंपल एक रिएक्शन है, यहां पर है आपका एल्कोहोलिक नहीं एक्वस KOH। तो जहां पर भी आपका एक्वस दिया हुआ है KOH, यहां पर ही कराएगा आपका क्या, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इस जगह पे। तो कितने सीएल है इसमें, दो सीएल दिए हुए हैं, तो उन दोनों सीएल को हटा के वहां पर आ जाएगा OH, क्योंकि हमने KOH डाला है। तो अगर इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है, सी एच थ्री है, इसके साथ में एक एच है, और ये दोनों सीएल है। तो अगर एक्वस KOH डालते हैं तो इन दोनों जगह पर आ जाएगा OH OH, दोनों सीएल हटा के। तो इंटरमीडिएट क्या हो गया हमारा, ये हो गया। इसके अंदर मैंने एक्वस KOH डाला, सब्स्टिट्यूशन हो गए दोनों की जगह पर। तो सब्स्टिट्यूशन होने के बाद में आपका ये बनेगा, दिस इज द इंटरमीडिएट। ये नहीं पूछा है हमसे, इसके बाद में भी ये एक एक्स देगा, जहां पर देखिए आप एक ही कार्बन के ऊपर दो दो OH लगे हुए हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो एक से एच जाएगा, एक से OH चले जाएगा, बाकी जो कंपाउंड बचेगा वही आपका एक्स है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर है आपका सी एच थ्री और सी एच ओ, सी एच थ्री सी एच ओ यहां पर भी है, आप उस पर टिक लगा सकते हो, वही आपका आंसर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर है सी एच थ्री सी एच ओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसी रिएक्शन को अगर आपको दी हुई है तो आप पता लगा सकते हैं आंसर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइरल। तो इनमें से कौन सा जो है वो काइरल नहीं है, तो यहाँ पे आपको सबका स्ट्रक्चर बनाकर देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर से आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर काइरल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला जो है वो है थ्री मिथाइल हेक्सेन। सो थ्री मिथाइल हेक्सेन है, तो सबसे पहले आप सिंपली बना सकते हैं, सबसे पहले आप हेक्सेन बना दो, ये आपके चार, ये आपके पांच, और ये आपके छह हो गए। थ्री पे मिथाइल है तो एक एच हटा के यहाँ पे हम सी एच थ्री लगा देते हैं, तो ये आपका हो गया थ्री मिथाइल हेक्सेन। इसके बाद में है टू थ्री डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड है तो यानी कि बस इसमें तीन कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड है तो एक कार्बन पे आपका सी डबल ओ एच हो गया। टू थ्री पे आपका डाइहाइड्रोक्सी है तो यानी कि टू थ्री पे है आपका डाइहाइड्रोक्सी, तो एक ओ एच इधर आ गया, एक ओ एच इधर आ गया। यहां से आप देखोगे वन टू थ्री, बाकी जितना बचा है वो ले लिया आपका एच ने, तो सी एच टू हो गया, यहाँ पे आपका ये हो गया सी एच। तो आपका इस तरीके का हो गया टू थ्री डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसके बाद में है आपका टू थ्री ड्राई ब्रोमो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के लिए आपके हो गए भाई चार कार्बन, यहाँ पे लिखा है आपका टू थ्री पे डाई ब्रोमो है, तो यहाँ पे भी बी आर है और यहाँ पे भी बी आर है, बाकी पूरा सेम रहेगा, बीच में सी एच सी एच, यहाँ पर आपका सी एच थ्री, तो आपका ये स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में है ब्यूटेन टू ओल, तो टू पे आप लगा दो ओ एच और बाकी सारा पूरा ब्यूटेन एज इट इज रहेगा। तो ये आपके चारों हो गए। अब यहां से देखिए इसने कहा है जो काइरल नहीं है, तो काइरल आपका कौन सा होगा, जो भी आपका कार्बन है इससे आपके जो चार ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अटैच हैं, चारों अलग अलग हैं, ठीक है, कहीं पर भी सेम नहीं है बिल्कुल, चारों अलग होते हैं तो वो काइरल है, और अगर कहीं पर भी सेम आ जाते हैं ग्रुप्स एक जैसे बिल्कुल, तो हम उसको नॉट काइरल बोलते हैं, मतलब वो अकाइरल हो जाता है, वो काइरल नहीं है। तो यहां पे देखिए इसमें कार्बन पे आप देख सकते हैं एक जगह सी एच टू सी एच थ्री है, एक जगह सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री है, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, सी एच थ्री अलग ग्रुप है और एच अलग है, तो यानी कि ये काइरल है। तो दिस कार्बन जो है ये बीच वाला जो कार्बन है आपका तीसरे नंबर का, ये काइरल है। यहां पर आप देख सकते हैं काइरल कार्बन, एक यहाँ पर आपका सी एच टू ओ एच जुड़ा हुआ है, एक ओ एच है, एक एच है और एक सी डब्लू एच है,
मतलब ये कार्बन में जो है ये आपका काइरल कार्बन है, चारों अलग अलग तरह के हैं। इसके बाद में अगर हम इस पे देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो सी एच बी आर अलग है, सी एच थ्री अलग ग्रुप अलग है। सेम इस कार्बन के लिए भी एच बी आर सी एच थ्री और ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये अलग है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी काइरल कार्बन है और ये भी काइरल कार्बन है। तो यहाँ पे ये काइरल कार्बन हो गया, ये भी काइरल कार्बन हो गया, लेकिन ये क्या है, एक मीजो कंपाउंड है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है, मतलब कि इसमें इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है। जो भी आपके मीजो कंपाउंड है इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाते हैं, जबकि उनमें काइरल कार्बन सेंटर जो है वो है, उसके बावजूद भी वो अपने मिरर इमेज के ऊपर जो है सुपर इम्पोज कर जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम मीजो कंपाउंड बोलते हैं। सो ये जो एग्जाम्पल है एक मीजो कंपाउंड का, यहाँ पे आपका इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि इसमें काइरल कार्बन है तो आप इसको देख सकते हो कि नहीं ये काइरल है, इसको हमें छोड़ देना है। लेकिन ये एक काइरल मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। ये वाला जो इसका पूरा पोर्शन है ये पूरे इस वाले की एक तरीके से मिरर इमेज है मॉलिक्यूल के अंदर ही। सो ये इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है विद इन द मॉलिक्यूल, तो इसीलिए ये वाला जो आपका मॉलिक्यूल है ये काइरल नहीं है, ये ए काइरल है, ठीक है। तो ये काइरल कार्बन नहीं है, तो हम इसके लिए ये वाला साइन नहीं लगाते हैं, ये आपका वहीं पर रहेगा जहां पे आपका काइरल कार्बन सेंटर होगा। अब इसमें जो लास्ट है उसे हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका आंसर तो यहीं पर ही आपको पता चल गया कि ये ए काइरल है। यहाँ पर आप वैसे भी देख सकते हो सी एच थ्री ओ एच सी एच टू सी एच थ्री और एक एच कहाँ गया, ये तो ये चार है आपके अलग अलग ग्रुप्स, तो ये वैसे ही आपका हो गया काइरल कार्बन। तो आपका आंसर जो है वो आपका ये हो जाएगा 2,3-dibromobutane। तो यहाँ पर आपका आंसर यही है 2,3-dibromobutane। इसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको यहाँ पर दे रखा है द मेजर प्रोडक्ट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहाँ पर आपको दिया हुआ है एल्कीन और एच आई और परोक्साइड यहाँ पर यूज किया हुआ है, तो तब आपको बताना है कि यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या होगा। सो ये काफी अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, तो यहाँ पर भी आप सीख सकते हैं सी एच थ्री, मतलब इस तरीके का आपको जो है एल्कीन दिया हुआ है और इसमें डाला हुआ है एच आई परऑक्साइड के साथ में, ठीक है। तो आपका एक रूल होता है एंटी मार्कोवनिको और एक होता है मार्कोवनिकोस रूल, दो होते हैं आपके रूल्स। यहाँ पर देखिए आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है एक्स, आपको बताना है तो यहाँ पर कोई एक्स है तो वो आपका क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल, अगर जिन्हें परऑक्साइड और विदाउट परऑक्साइड का पता है तो वो सोचेंगे कि यहाँ पर एंटी मार्कोवनिको रूल यूज होगा, लेकिन यहाँ पर आपका रूल यूज होगा मार्कोवनिकोस रूल, क्योंकि जो एंटी मार्कोवनिको और मार्कोवनिको रूल है ये आपका लगता है जब हम एच बी आर के लिए पढ़ते हैं, ये सिर्फ आपका केस है एच बी आर के लिए। तो जब एच बी आर है और तब परोक्साइड है तो आपका एंटी मार्कोवनिको रूल यूज होगा, लेकिन यहाँ पर आपका अगर एच आई के साथ में परोक्साइड है तब आपका यहाँ पर एंटी मार्कोवनिको रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा एंटी मार्कोवनिको और मार्कोवनिको आप देख रहे हो ये आपका एंटी मार्कोवनिको तभी होगा जब हम एच बी आर के लिए पढ़ते हैं। सो ये एच बी आर के लिए ही फॉलो होगा और किसी के लिए यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा, तो सिर्फ एच बी आर के लिए ही एप्लीकेबल है अगर परोक्साइड है तब एंटी मार्कोवनिको रूल। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर है आपके पास में एच आई दिया हुआ, तो एच आई दिया हुआ है तो आपका चाहे परोक्साइड है या फिर विदाउट परोक्साइड है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका सिंपली क्या लगेगा मार्कोवनिको रूल। सो यहाँ पर जो आपका एच है ये जाएगा यहाँ और आई जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका एच जाएगा जहां पे जिस कार्बन पे पहले ही ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और आई जाएगा आपका इस वाले कार्बन पे जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। सो यहाँ पे आपका एक्स क्या बन जाएगा, जो आपका प्रोडक्ट है ये है सी एच थ्री सी एच आई और सी एच थ्री, आप ये देख सकते हैं आपको दिया हुआ है सी एच थ्री सी एच आई सी एच थ्री, मतलब जो ये पार्ट है वो आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चंस को देखिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि कुछ एच आई डाला हुआ है एच एक्स है मतलब और परोक्साइड में है, तो परोक्साइड में आप क्या सोचोगे कि एंटी मार्कोवनिको लगेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर सोचोगे और वो गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है
कि परोक्साइड वाली चीज पे आपको तभी फोकस देना है जब वो HBr के साथ में है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका क्लोरोबेंजीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बाय, मतलब रिएक्शन बतानी है कि कौन सी रिएक्शन से मैं ये चीज पर जा सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा आपकी सैंड में रिएक्शन है जिसमें हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब कि N2+ और Cl- हो गया, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इससे आपको बनाना है ये क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन। तो ये आपकी जो है कौन सी रिएक्शन से बन सकता है, आप देखिए ऑप्शंस हैं गेटरमैन्स रिएक्शन और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन से तो नहीं होगा, वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। तो यहाँ पर जो गेटरमैन्स रिएक्शन है इसी पे हम आंसर को टिक करेंगे, क्योंकि जो सैंड में रिएक्शन है उसी का आप मॉडिफिकेशन मान सकते हैं इसको। सैंड में रिएक्शन में आपका होता है देखिए क्यूपरस इस तरीके से, मतलब Cu2H2 की फॉर्म में होता है, सही है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो गेटरमैन रिएक्शन है उसमें आपका होता है Cu2H2 नहीं होता पूरा साथ में, कॉपर पाउडर मतलब कॉपर और HCl या HBr कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली आपका Cu पाउडर होता है इसमें प्लस का HCl या फिर HBr कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो ये रिएक्शन है इसमें ये से आप इस चीज को बना सकते हैं, तो ये है गेटरमैन्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं कि ये सैंड में रिएक्शन का ही मॉडिफिकेशन है, उसमें जस्ट आपका Cu2H2 डलता है तो वो क्यूपरस इस तरीके से फॉर्म में है, यहाँ पर जस्ट आपका ये अलग है कॉपर का पाउडर है इन HCl और HBr कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। सो ये मैंने आपको बता दिया है गेटरमैन्स रिएक्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए अगला जो है ये है आपका IUPAC नेम आपको बताना है, तो IUPAC नेमिंग आपको आती होगी तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Br, तो ये है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Br है, तो Br और हो गया। अब आप इसको देखिए यहाँ पर आपके पास में 1 2 3 ये 4 तो आपके कार्बन हो गए, यहाँ पर आपका Br लगा हुआ है, तो आप सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे नेमिंग मतलब कि नंबरिंग कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका हो गया कार्बन 1 2 3 4, तो नेमिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है सबसे पहले इसमें काउंटिंग लिख दी है कार्बन 1 से लेके 4 तक, तो हो गए 4 कार्बन्स, ठीक है। 4 कार्बन है, 1 ब्रोमीन है, 1 Br, 4 कार्बन्स, और 2 पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो मैं लिख सकती हूँ 2-ene, इन डबल बॉन्ड हो गया ना, तो ये आपके इससे आप नेमिंग लिख सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट कार्बन पे है ब्रोमो ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो, ठीक है, Br, बी पहले आएगा ना, तो 1 ब्रोमो, और क्या है 1 2 3 4 ब्यूट, तो ब्यूट 2-ene 2-ene, बाकी सारे ये आपके स्मॉल रहेंगे, यहाँ पे आपको ये डैश डैश लगाने हैं, तो आपकी नेमिंग इस तरीके से हो जाएगी। तो आपका जो आंसर है 1 ब्रोमो ब्यूट 2-ene, जो भी आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है इन सब का, इसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं, किन किन पोजीशन पे हैं, नंबरिंग कर दो उनकी, उसके बाद में आप जो है इस फॉर्मेट में लिख सकते हो जो भी हमारे IUPAC के रूल्स हैं। तो मैंने देखा 4 कार्बन है, 1 ब्रोमीन है, 2 पे डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन को हम बोलेंगे ब्यूट, और ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे है तो Br पहले यहां पर आएगा, तो 1 ब्रोमो हो गया, ब्यूट 2-ene, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है ये है आपका द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑफ हाइड्रोलिसिस करनी है, और आपको टर्शरी पे दे रखा है देखिए Cl, तो ये आपका जो है कार्बन है इस पे आपका CH3 है, यहां पर आपका CH3 है, यहां पर आपका CH3 है, और यहां पर है Cl, इसमें इन्होंने डाल दिया है एक्वस KOH। हमें पता है यहां पर एक्वस KOH है, तो यहां पर आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, तो मतलब कि Cl हटके आ जाएगा OH,
तो ये सीएल यहां से निकल जाएगा और ओएच आके लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन। आपको पता है SN1 रिएक्शन टर्शरी की सबसे ज्यादा होगी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो टर्शरी जो है वो सबसे जल्दी रिएक्शन देगा, SN1 रिएक्शन। SN1 में आपको पता है यहाँ पर बनता है ये X निकल जाएगा, कार्बोकटाइन बनेगा। अब क्योंकि जो टर्शरी कार्बोकटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए जो यहाँ पे रिएक्शन है वो टर्शरी की सबसे फास्टेस्ट होती है SN1 में, बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। तो यहाँ पे कार्बोकटाइन बनेगा टर्शरी, उसके बाद में यहाँ से आके OH जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और एड हो जाएगा। तो बस वही आपका हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आपका ये निकलेगा, कार्बोकटाइन यहाँ बनेगा, OH आके लगेगा, तो बेसिकली आपका Cl हटा के OH आ गया। तो ये आपका इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा, एक्वस के OH दिया हुआ है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये रीजनिंग है इसका, आप आंसर इसमें देख सकते हैं। इसका जो है डी हो जाएगा, CH3 OH, ठीक है, यानी यहाँ पर टिक कर रखा है। इसके बाद में है A9, यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है आपको, ये आपकी रिएक्शन पता ही है आपको, वुड्स रिएक्शन है, सिंपल डायरेक्ट रिएक्शन पूछी हुई है सिर्फ आपका, सिंपल है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है आपका, 2Na होता है और आपका RX होता है, इसमें आपका ड्राई ईथर होता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये क्या दे देगा आपको, R, R साथ में जुड़ जाएगा और आपका ये NaX अलग निकल जाएगा, तो प्लस का मिल गया 2NaX। तो ये R, R जो आपको मिल जाता है, ये मिलता है आपको वुड्स रिएक्शन में, वुड्स रिएक्शन है ये, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका आंसर है, नेम रिएक्शन हो गई है पूरी। इसके बाद में है आपके पास में CH3CH2I एल्कोहोलिक KOH के साथ में। अच्छा, ये पूरी रिएक्शन है, इसको हम देख लेते हैं। हम CH3CH2I यहां पर इसने डाला है इसमें एल्कोहोलिक KOH और ये देगा X। इसके बाद में Br2 यानी कि ब्रोमीन इसने डाला है तो देगा Y, और फिर डाला है KCN तो देगा Z। और आपको क्या बताना है कि ये Z क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, इसमें एल्कोहोलिक KOH डालने से क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो यहां से ये I निकल जाएगा और यहां से ये H निकल जाएगा, ये अल्फा ये आपका बीटा। तो अगर यहां से एच आई हम निकाल देते हैं तो हो जाएगा माइनस एच आई, एक्स जो मिलेगा ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर इसके अंदर हम डालेंगे Br2 यानी कि ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहां पर लगेगा एक Br, यहां पर लगेगा एक Br, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये है आपका वाई के इक्वल। तो X मैंने बता दिया ये एल्कीन बनेगा, Y मैंने बता दिया ये बनेगा। अब इस Y में हम डालेंगे KCN तो हमें मिलेगा Z। तो सिंपली क्या है, KCN है तो यहां से Br हटेगा, यहां से Br हटेगा, CN CN आके लग जाएगा। तो ये आपका हो गया Z के इक्वल, ठीक है। तो ये आपका Z हो गया कंपाउंड। तो जहां पर भी आपका ऑप्शन के अंदर लिखा है CN CH2 CH2 CN, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद में एक और आप देखिए, ये रिएक्शन देखिए आप, इन द रिएक्शन आपको यही सब दिया हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं साथ साथ करते हुए। CH3 CH Br और CH3, इसमें इन्होंने डाला है एल्कोहोलिक KOH तो X मिल गया है, इसके बाद में HBr डाला है परऑक्साइड में तो Y मिल गया है, और डाला है NaI एसीटोन में। सारी वही रिएक्शन है आपके चैप्टर की, जो है मेन मेन रिएक्शन वही सब। तो यहाँ पे देखिए एल्कोहोलिक KOH फिर से डाल दिया है, वही आपको करना है, HX निकाल देना है, H निकाल दो आप बीटा से, X निकाल दो आप फर्स्ट कार्बन की अल्फा पोजीशन पे से। तो यहाँ पे आपका चले जाएगा Br,
ये भी आपकी बीटा हो गई, ये भी आपकी बीटा पोजिशन हो गई, तो कहीं से भी एच निकाल दो कोई फर्क नहीं पड़ना है, सेम ही रहेगा। तो ये आपका हो गया सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये आपका कौन सा है एक्स, एक्स के इक्वल है ये चीज। अब ये जो एल्कीन बन के मिला है मेरे को, इसमें हम डालेंगे एच बी आर परोक्साइड, तो मिलेगा वाई। एच बी आर और परोक्साइड है तो आप देखिए परोक्साइड दिया हुआ है लेकिन एच बी आर के साथ में है, तो क्योंकि मेरे को एच बी आर दिया हुआ है तो उसमें एंटी मार्कोवनी का रूल एप्लीकेबल होगा परोक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर परोक्साइड है एच बी आर है तो लगेगा एंटी मार्कोवनी का रूल, अगर एच आई होता या कुछ और होता तो नहीं लगता, सिंपल मार्कोवनी को लगता। तो यहाँ पे अब क्या है, एच जाएगा आपका बीच वाले के पास में और बी आर जाएगा आपका ये कोलने वाले कार्बन के पास में, ठीक है। जिसके पास में कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है इसके पास में जाएगा एच, जिसके पास में ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके पास में जाएगा बी आर, मार्कोवनी को जस्ट उल्टा। तो आपको क्या मिल जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर, ये आपका कौन सा है वाई। अब इसके अंदर हम डालेंगे एन ए आई और एसीटोन, एन ए आई एसीटोन कुछ नहीं करता है, यहां से ये हेलोजन हटेगा और आई लग जाएगा और ये आपका इक्वल है जेड के, तो जेड बराबर है इसके। तो आपका जो जेड है वो है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू आई, तो जहां पर भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ये वो आप टिक कर सकते हैं पूरा, वही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ टाउलिन विद सी एल टू इन द प्रेजेंस ऑफ एफ ई सी एल थ्री गिव्स, आपको क्या मिलेगा टाउलिन और सी एल टू की रिएक्शन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एफ ई सी एल थ्री। सो आपका है यहाँ पर बेंजीन के ऊपर सी एच थ्री, ये है आपका टाउलिन प्लस सी एल टू इन द प्रेजेंस ऑफ आपका दिया हुआ है ये एफ ई सी एल थ्री। तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर आर ग्रुप लगा हुआ है यानी कि सी एच थ्री लगा हुआ है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यहाँ पर आप डाल रहे हो सी एल टू इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एफ ई सी एल थ्री, तो आपको एक ऑर्थो पे मिलेगा एक पैरा पे मिलेगा जिसमें से पैरा हमेशा मेजर है। तो यहाँ पे बना दीजिए सेम स्ट्रक्चर सी एच थ्री, तो आपका ऑर्थो पे लगेगा सी एल, तो ये आपका हो गया ऑर्थो क्लोरो टाउलिन। इसी तरीके से पैरा पे आप लगा दो सी एल, तो ये आपका इस तरीके से बन गया। ये बेसिकली आपका सी एल टू है, ये बना लेता है एफ ई सी एल फोर माइनस, एक आपका जो सी एल बचता है ये चले जाता है एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाती है। तो ये आपका इसमें प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट बनेगा, तो ऑप्शन जो है ये है ओ एंड पी क्लोरोटाउलिन, तो ऑर्थो ओ हो गया पैरा पी हो गया क्लोरोटाउलिन आपका है ही है, ठीक है। ये आपकी हो गई हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसके बाद में है रिएजेंट्स फॉर दी फॉलोइंग कन्वर्जन्स, सो रिएजेंट्स फॉर दी फॉलोइंग कन्वर्जन्स आर एल्कोहलिक क्यू एच जिंक सी एच थ्री यू एच एक्वस क्यू एच फॉलोड बाई एन एन एच टू एल्कोहलिक क्यू एच फॉलोड बाई एन एन एच टू, मतलब इन्हीं सब में से आपको बताना है कि आपका कौन सा रिएजेंट जो है ये कन्वर्जन करा पाएगा। तो आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये आपका है बी आर इधर एक बी आर इधर है, यहाँ से आपको कन्वर्जन करनी है और आपका बस इस तरीके का बना हुआ है, यहाँ पे सी है ट्रिपल बॉन्ड है सी है और एच है, बेसिकली इस तरीके का आपको दिया हुआ है। तो ये कन्वर्जन आप कैसे कर सकते हैं, जो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से सबसे पहले आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका सी एच टू है इधर वाले सी एच टू पे बी आर है और ये वाला एक सी एच टू है ये वाला एक आपका सी एच टू है, इस तरीके से एक ये पॉइंट है ये पॉइंट है, तो मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ, एक ही बात हुई। अब यहां से आप इस पे कैसे आओगे, सबसे पहली चीज यहाँ पे ब्रोमीन तो है ही नहीं, तो यहां से आप अगर इसमें डालते हो जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से एल्कोहलिक क्यूएच हम इसमें डाल देते हैं, एल्कोहलिक क्यूएच डालने से मुझे पता है यहां से क्या हो जाएगा, यहां अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो यहां से मेरा ब्रोमीन चले जाएगा और यहां से एच चले जाएगा, तो यहां से एक एच जाएगा यहां से एक बी आर जाएगा, तो ये आपका बचेगा यहां से जाएगा एच, तो सी एच बी आर सी एच टू, चलो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देते हैं, तो बस ये बचा।
अब इसके बाद में जब ये चीज मिल गई है, यहां से अब हमें फिर यहां जाना है। इसके बाद में दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास में, फॉलोड बाय एनए एनएच टू एक्वस के वज या फिर एल्कोहलिक के वज। तो एनए एनएच टू यानी कि सोडियम अजाइड, यहाँ पे जो चीज हट गई है वो आपकी हो गई यहां से, क्योंकि हमने एल्कोहलिक के वज डाला था, इसके अंदर के था और ओ एच था, और यहां से निकला है आपका एच बी आर, तो यहां से आपका बन जाएगा के बी आर, तो माइनस हो गया के बी आर, और एक एच है और एक ओ एच है, तो ये मिलके आपको दे देंगे पानी, तो माइनस हो गया के बी आर और माइनस हो गया एच टू ओ। अब ये मिल गया, अब इसमें हम डालेंगे एन ए एन एच टू, एन ए एन एच टू डालेंगे, ठीक है, एन ए एन एच टू। अब यहां पे देखो ये वाला ब्रोमीन भी हटाना है मुझे यहां से इसको बनाने के लिए, ठीक है, और यहां से एक ये H हट जाना चाहिए, तो यहां से एक H जाएगा एक Br जाएगा, तो मेरा ये स्ट्रक्चर बन गया। तो यहां से HBr निकलेगा, तो एक H निकलेगा और एक Br निकलेगा, तो यहां से ये NaBr बना देगा और ये बना देगा NH3 मिलके अमोनिया, तो माइनस लिख दो NaBr माइनस लिख दो NH3, सही है, और आपको रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट है वो मिल गया CH ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो बस आप टिक कर सकते हो इसके अंदर ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एल्कोहलिक QH के साथ में NaNH2 सोडियम एजाइड, तो ये आपको देगा आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, कैसे देगा ये मैंने आपको बता दिया है। सो इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो मैंने दोनों ही इस तरीके के यूज किए हैं जो ऑप्शन मेरे को दिए हुए थे, दोनों ही स्ट्रांग बेस है। यहाँ पर आपका सिंपल एल्काइल हैलाइड है, तो एल्कोहलिक QH आपका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कर देगा। अब यहाँ पर आपका क्या है, डबल बॉन्ड आ गया, तो बेसिकली विनाइल हैलाइड बन गए यहाँ पर, तो उसके लिए मेरे को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिया है NaNH2, तो वो दे देगा यहाँ पर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो ये हो गया है, इसके बाद में है आपका बेंजीन के ऊपर CH2CH3, यहाँ पर कोई हम A डालेंगे तो हमें X मिलेगा और B डालने के बाद में हमें ये इस टाइप का एल्कीन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमें रिएजेंट यूज करना होगा। सो C6H5 यहां पर बना लेते हैं CH2CH3, ये दिया हुआ है, इसमें डालेंगे A तो मिलेगा यहां पर X, इसमें डालेंगे B तो मिलेगा यहां पर C6H5, और फिर है क्या CH डबल ऑन CH2, तो इसकी जगह पे आ गया ये। अब ए और बी बताना है क्या होगा जिससे मुझे ये मिल जाए लास्ट में, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए आपको क्या क्या दे रखे हैं, उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, SOCl2 दे रखा है, अल्कोहलिक केवच ये सब दे रखा है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट SO2Cl2 SO2Cl2, तो यहाँ पे है अगर हम इसमें डाल देते हैं SO2Cl2 SO2Cl2, तो यहां पे आपका बन जाएगा बेंजीन है, इस वाली पोजीशन पे आपका एक एच हटके लग जाएगा सीएल और ये आपका रह जाएगा सी एच थ्री, ठीक है। तो ये आपका एक्स के बराबर हो जाएगा। उसके बाद में यहां से फिर मैं ये बनाना चाहती हूँ सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, तो इसके बाद में हम यहाँ पे ये डाल देते हैं एल्कोहलिक क्यू एच, तो एक एच निकल जाएगा एक सीएल निकल जाएगा, तो मेरे को ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसके अंदर फिर हम डाल देंगे एल्कोहलिक QH, तो ये निकलेगा Cl और इधर से निकलेगा H, तो बन गया CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये वाला प्रोडक्ट आ गया है ना। तो आपका ये वाला ऑप्शन हो गया SO2Cl2 और एल्कोहलिक QH, तो आप ऐसे देख सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहां पर है आपके पास में, इसके ऊपर है सी एच थ्री लगा हुआ, इसमें बी आर टू और एच, अच्छा ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अब बताना है आपको इसमें क्या मिलेगा वहां पर प्रोडक्ट। अलग अलग आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो सिंपल विंग आपकी रहेगी ही, सी एच थ्री आपका इसी पोजीशन पर ही रहेगा। अब आपको देखना है भाई बी आर कहाँ जाएगा आपका,
मेजर प्रोडक्ट बताना है बेसिकली यहाँ पे। तो रिंग तो बना ही देते हैं यहाँ पे, ये 5 मेंबर रिंग आपकी रहेगी, ठीक है। वहां पे आपका क्या अटैच होगा, किस तरीके से होगा। सो एक ना एक जगह पर जाकर आपका बी आर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लगेगा बी आर, कोने वाले कार्बन है वो तो, या फिर यहाँ पर लगेगा बी आर इस वाले पोजिशन पे। ये कैसा है, टर्शरी है, इधर इधर और इधर अटैच है इसमें। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसमें हम देखेंगे कि भाई कहां पर आपका फटाफट से एच जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कौन सी वाली पोजीशन से। तो सबसे जल्दी आपका टर्शरी दे सकता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका टर्शरी कार्बन का है, तो यहाँ वाला जो एच है ये आराम से आपका एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए जो आपका ये Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNU है, यहाँ से जो आपका ये Br जाएगा ये चले जाएगा बस इस पोजिशन में। बस सिंपल आपका इतना सा आंसर है इसका, ठीक है। तो ये आपका इसमें ऑप्शन हो जाता है, तो Br जाएगा आपका इस वाले कार्बन के पास में, ठीक है। यहाँ से एच हटेगा, सीधा Br लग गया, दैट्स इट। यहाँ पर इसमें है नेक्स्ट, आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, इसमें आपको अरेंज करना है Cl, F और Br के साथ में। तो यहाँ पे ऑर्डर बता सकते हैं आप। सो डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है ये आपका हो जाएगा सबसे पहले आपका Cl, फिर F, फिर Br। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है B वाला हो जाएगा फिर इसके बाद में। तो ये आपका हो जाएगा CH3, मैंने बोला Cl, उसके बाद में आपका CH3F और फिर हो जाएगा CH3Br। तो ये आपका है, इधर की तरफ जाने पे आपका जो डाइपोल मोमेंट है यहाँ पर जाने पर वो डिक्रीज हो रहा है, यहां से जाने पर वो इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो यहाँ पे आपसे ऑर्डर ही पूछा था बस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो आप ये अरेंज कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम है, इसीलिए मैंने ये एफ को बाद में रखा है, देन Cl, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ स्मॉलेस्ट है, सबसे कम है, छोटी है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो ये CH3F है ये इससे कम हो जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट। तो CH की जो बॉन्ड लेंथ है वो अनएक्सपेक्टेडली जो है वो छोटी है, काफी स्मॉल है, इसीलिए जो है इसका डाइपोल मोमेंट कम रहेगा CH3Cl से। ये भी आपकी बुक में जो है दिया हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट आपका ये ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद में आपको दिया हुआ है इन द एडिशन ऑफ HBr2 प्रोपीन इन द प्रेजेंट इन द एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ। फर्स्ट स्टेप में आपका किसका एडिशन होता है, यहां पर है HBr को अगर हम प्रोपीन में एड करते हैं तो प्रोपीन लिख लेते हैं सबसे पहले CH3CH डबल बॉन्ड आपका CH2। इसमें अगर मैं डालती हूँ HBr और यहां पर परोक्साइड नहीं है, मतलब नो परोक्साइड, तो जब परोक्साइड नहीं है तो मतलब मार्कोनी को रूल लगेगा, ठीक है। तो यहां पर बस आपको ये बताना है कि इसमें जो फर्स्ट स्टेप है इसका, उसमें एडिशन किसका होता है, एडिशन आपका किस चीज का होता है आपको ये बताना है। इसमें प्रोडक्ट वोडक्ट नहीं बताना है आपको क्या बनेगा। तो एडिशन किसका होता है इसमें आप ये देख सकते हैं, जो हमारे इसमें दो स्टेप होते हैं, ये जो आपका एल्कीन है, अगर मैं एक जनरल बात करती हूँ यहाँ पे, तो ये आपका एल्कीन हो गया, इसमें हम ऐड करते हैं देखिए HX, ठीक है। अगर मैं मार्कोवनिक रूल्स की बात करती हूँ, मार्कोवनिक रूल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ये आपका एल्कीन हो गया, ये आपका HX है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो एल्कीन है यहाँ से ये लेगा H, ये X को निकाल देगा बाहर, तो इस वाले कार्बन पे आपका जुड़ जाएगा आके H। तो ये इस तरीके का बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका निकल गया X माइनस बार, तो ये आपका बन गया, ये वाला कार्बन कार्बोकटाइन बन गया। अब यहाँ पर ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन है, तो ये स्लो स्टेप है आपका, इस वाले कार्बन पे यहाँ पर आपका जो कार्बोकटाइन है, अब इस पे आके जो ये X माइनस है ये अटैक कर देगा और यहाँ पे आपका X आके जुड़ जाएगा, तो X यहाँ लग गया, H यहाँ लग गया। तो बेसिकली ये आपका एक मैकेनिज्म हो गया मार्कोवनिकोव्स रूल का। फर्स्ट स्टेप क्या था इसमें, ये वाला। तो इस फर्स्ट स्टेप में एडिशन किसका हो रहा है, किसका एडिशन हो रहा है यहाँ पे,
एच का एडिशन हो रहा है इस एल्किन में, ठीक है, सो देर इज एडिशन ऑफ एच प्लस, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है इसका, सी पार्ट एच प्लस, तो यहाँ पे आपका आंसर है देयर इज एडिशन ऑफ एच प्लस इन द फर्स्ट स्टेप, तो ये आपका आंसर है। इसके बाद में आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री, ये आपको दिया हुआ है, मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको क्या बनेगा। तो सी एच थ्री है, सी एच है, सी एच थ्री है, और इसमें क्या लगा हुआ है, सी एच टू बी आर लगा हुआ है, सी एच थ्री ओ माइनस सी एच थ्री ओ एच। अब बताइए प्रोडक्ट इसमें आपको क्या मिलेगा, तो ये आपको दिया हुआ है, ए बी सी डी आप पार्ट सारे देख सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर ये जो पोजीशन है आपकी अल्फा हो गई, ये वाली पोजीशन आपकी बीटा हो गई, ये जो आपका सी एच थ्री ओ माइनस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये आपका एक काफी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, सी एच थ्री ओ माइनस आपको दिया हुआ है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो या तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन करा सकता है या फिर एलिमिनेशन करा सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपकी अल्फा पोजीशन है, ये आपकी बीटा पोजीशन है, बीटा पे आपके पास में एक ये सी एच थ्री लगा हुआ है, यहाँ पर ये सी एच थ्री लगा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा, तो एस एन टू में आपका बैक साइड अटैक होता है जिस तरीके से, तो यहाँ पे एस एन टू तो नहीं हो पाएगी क्योंकि आपकी थोड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सिर्फ कोशिश करेगा एलिमिनेशन करने की, तो यहाँ से सीधा ये एलिमिनेशन करेगा, एक एच निकल सकता है और बी आर निकल सकता है सिंपल। तो ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इधर एच है, इधर सी एच थ्री है, इधर सी एच टू है, और इधर बी आर है, तो ये एच यहाँ से चले जाएगा और यहाँ से ये बी आर निकल जाएगा, तो यहाँ से एच गया, यहाँ से बी आर गया, तो ये आपको देगा माइनस ऑफ एच बी आर सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू, बस ये आपका बन जाएगा फिर, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी इसके अंदर, तो प्रोडक्ट आपका यही है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच टू बी वाला, सो ये आपका आंसर है इसके अंदर। तो इससे जो अगला है इसमें है आपके पास में टर्शरी है, यहाँ पर C2H5OH है, यहाँ पे C2H5O नेगेटिव है और C2H5OH है, ठीक है, तो ये चीज आपको दे रखी है, O नेगेटिव Na प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे A मेजर दिया हुआ है, मतलब A इसे डालने के बाद में जो मेजर मिलेगा, और यहाँ पर कोई B जो इसे डालने के बाद में आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, तो A और B आपको बताना है क्या है, A एंड B रिस्पेक्टिवली आर, तो यहाँ पे आप देखिए इधर वाले को देख लेते हैं पहले, तो ये आपका वीक है C2H5OH, तो जो वीक है वो आपका सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कराता है, और जैसे मैंने पहले वाले में बताया वो आपका एकदम स्ट्रॉन्ग था, तो स्ट्रॉन्ग वाला जो है वो आपका सीधा एलिमिनेशन करा देता है, सो जहां पर भी आपका वीक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है तो ये आपका कराएगा क्या, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग वाला जो है आपका C2H5O माइनस जैसा और वो CH3 माइनस था, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो ये आपका कराएगा एलिमिनेशन। आपको पता है एलिमिनेशन आपको कहां से करना है, सब्स्टिट्यूशन में तो आपको पता ही है, यहाँ इसकी जगह पर इसकी जगह पर आपका ये लग जाएगा, तो आपका बन गया CH3, तो ये आपका आंसर ए। इसके बाद में बी, बी में आपका हो जाएगा क्योंकि तीन आपके CH3 जुड़े हुए हैं, तो एक CH3 में से जो एक एच है वो हटेगा, तो यहां पर आपका ये बनेगा, तो ये आपके आंसर हो गए, ये बी है, ये आपका ए है, क्योंकि ये वाला जो है ये है इसके साथ में एक CH3 एक CH3 एक CH3 और फिर बी आर है, तो यहां से एक एच चला गया और ये बी आर चला गया, तो ये बना डबल बॉन्ड CH2, तो ये चीज आ गई, ठीक है। तो ये सिंपली ये था कि यहाँ पर क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन देगा, तो बी आर हटा के OH आ गया, अब क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है
इसीलिए ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो वहां पे आपको एलिमिनेशन कर देना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देना है, प्रोडक्ट लिख देना है, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हो जाते हैं। इसके बाद में आपका है सी एक्स बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, सी एक्स बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किसमें होगा, दिया हुआ है आपको सी एच थ्री के साथ में एच सी एल बी आर और आई। यही चार ऑप्शंस हैं आपके पास में, यही चार ऑप्शंस हैं। अच्छा, तो सी और एफ मतलब कार्बन और ये जो हेलोजन है इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसी का होगा एफ के साथ में, जो है सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इसकी कम होगी, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो बॉन्ड लेंथ इसकी ऑटोमेटिकली कमी होगी, सबसे छोटा साइज है तो बस यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। बाकी नीचे जाने पर तो साइज बढ़ रहा है हेलोजन का, तो साइज बढ़ने के साथ में बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो इसीलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ऊपर वाला ही होगा। तो सी एच थ्री एफ इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो है ये द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइड विद इथाइल ब्रोमाइड, रिएक्शन बतानी है, मतलब सिंपल आपको दिया है एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइड विद इथाइल ब्रोमाइड। सबसे पहले लिखिए भाई इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड हो गया आपका सी एच थ्री सी एच टू बी आर, इसकी रिएक्शन है एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 एल्कोहलिक है, तो ये सिंपल दे देगा सी एच थ्री सी एच टू और ये आपका जो NO2 है ये लग जाएगा यहां पे। आप इसे ऐसे बना सकते हो, इस तरह का बॉन्ड होता है, ये Ag बचा ये Br बचा, तो ये बन गया आपका AgBr। तो ये आपका आंसर हो जाता है, इसमें आंसर आपके दिए हुए इथाइलिन, इथाइल नाइट्राइड, नाइट्रो इथेन या इथाइल एल्कोहल, तो ये आपका है नाइट्रो इथेन। अगला है आपका टू फिनाइल टू क्लोरो प्रोपेन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ में क्या देगा, टू फिनाइल है टू क्लोरो है और प्रोपेन है, तो आप प्रोपेन लिख दो सबसे पहले, इसमें तीन कार्बन होंगे इस तरीके से, इसमें टू पे ही फिनाइल है तो टू पे फिनाइल रिंग लगा देते हैं और टू पे ही क्लोरो है तो यहाँ पे सीएल लगा देते हैं, तो यहाँ पर हो गया सी एच थ्री, यहाँ पर हो गया सी एच थ्री, ये कार्बन का पूरा है, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ में, हमें पता है एलिमिनेशन होगा इसके अंदर एल्कोहलिक KOH, ये अल्फा ये भी बीटा है ये भी बीटा है, तो एक ही जगह से यहां से एच निकाल दो यहां से सीएल निकाल दो तो ये आपका बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, तो बेंजीन है इसके ऊपर आ जाएगा आपका कार्बन डबल बॉन्ड सी एच टू और इधर आ जाएगा आपका सी एच थ्री। अब इसका आपको नाम पता होना चाहिए, नाम इसका क्या है, नाम आपको दिए हुए हैं टू फिनाइल प्रोपीन, तो टू फिनाइल प्रोपीन यही है, टू फिनाइल और प्रोपीन, एक दो तीन, तो ये तीन कार्बन हो गए ना आपके, तो प्रोपीन हो गया, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है और टू पे आपका फिनाइल है, तो ए आपका इसका आंसर हो जाता है। सो यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिखा दिए हैं, और भी हम इसमें क्वेश्चंस आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी और ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे किस तरीके से हम कर रहे हैं, और काफी कुछ आप जो है इसमें नया भी सीख सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर। तो उम्मीद है काफी वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप जरूर से जो है लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, और ऐसी और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।